दे दो। जयवीर जी क्या वजह रही जो आज भाजपा की निर्विरोध अध्यक्ष चुनी गई है? शेफाली जी क्या कमी थी आपकी पार्टी के उम्मीदवार? हमारे पार्टी के प्रत्याशी जो हैं उनकी कोई कमी नहीं रही। उन्होंने लगातार हमारे समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य जीते थे यहाँ 11, उन वो संपर्क में थे। लास्ट में आज नामांकन होना था तो उसमें जो प्रस्तावक था हमारा उसको जबरदस्ती जिला प्रशासन ने कैबिनेट करा लिया और वहाँ पे पुलिस के बल सर उसको आने नहीं दिया पार्टी ऑफिस तक। कहीं ना कहीं उसकी जो निर्विरोध बनने का यही कारण रहा। अच्छा कुछ ऐसे लोग भी पार्टी में आपके जिम्मेदारी सामने आई है, कितने लोग हैं वो हम नाम नहीं भी बता रहे हैं, तो संख्या कितनी है जिन लोगों ने बगावत की है? उसमें जो हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं कुछ जो जिले के पदाधिकारी हैं वो लोग शामिल हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी को दोनों को हमने लिखा है, वहाँ से संतुष्टि आ जाएगी तो तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। पार्टी का दिल कहलाने वाला एक मजबूत किला, क्या आप इसको काले दिवस के रूप में मनाएंगे? आज के हालात ये हैं कि समाजवादी पार्टी मुरादाबाद में बेशक बहुत मजबूत है, समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है मुरादाबाद। यहाँ 4 विधायक भी हैं, 1 MP भी है और उसके बावजूद समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी यहाँ पर्चा नहीं भर पाया। ये हमारे लिए भी और हमारे विधायकों के लिए और सबके लिए बहुत शर्मनाक स्थिति है। पर ऐसी परिस्थिति में यहाँ के जो जिला प्रशासन है उसका बहुत बड़ा अहम रोल रहा है। हमारे जितने भी जिला पंचायत सदस्य हैं जिस दिन से जीते हैं उस दिन से लगातार टॉर्चर करा जा रहा है, उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं, कोई कारोबार हो रहा था उसको सील करने का डरा धमका कर, और जो आज हमारा प्रस्तावक आना था उसको भी डरा धमका कर जबरदस्ती उसके घर से पुलिस ने किडनैप कर लिया और उसको आने नहीं दिया। ये बताया जा रहा है कि आपके जिला पंचायत एक मोटी रकम में बिके हैं, क्या उनका आपने संज्ञान लिया? ये कौन लोग, उनकी क्या जानकारी है आपको? जिन लोगों की जानकारी मिली है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उनकी सूची बना ली गई है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से स्वीकृति मिलते ही उनको पार्टी से बाहर करा जाएगा। सामंजस्य ना बना समाजवादी पार्टी का, क्या ये भी मुख्य वजह मानी जाए? ना, हमारा आपस में हमने सभी जिला पंचायत सदस्यों की महिला सीट थी, जिन सदस्यों की महिला जीती थी उनको हमने सबने बैठाया, सबसे बात करी, सभी जिला पंचायत सदस्य थे जब हमने प्रत्याशी घोषित करा, ऐसी कोई वो नहीं थी, सबकी सहमति से प्रत्याशी बनाया गया था। 2022 में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और समाजवादी का गढ़ माना जाता है, वहाँ ये नुकसान कहीं आगे भी नुकसान पहुँचाएगा? देखिए इससे 2022 पे कोई वो नहीं है, 2022 में जनता वोट डालेगी। ये जिला पंचायत सदस्यों को समाजवादी पार्टी के नाम पर जनता ने चुनकर भेजा, जनता ने आप देख रहे हैं 11 जिला पंचायत सदस्य मुरादाबाद के अंदर जीते हैं, तो ये जनता का फैसला था कि हम भाजपा से ऊपर थे, पर ये कुछ लोग व्यक्तिगत अपने निजी स्वार्थों की वजह से हमारी पार्टी के साथ गद्दारी करी है, भाजपा से मिल गए, उसका नतीजा इस नतीजों से ये चुनाव सत्ता के दम पे भाजपा जीत रही है, सत्ता के बल पर ये चुनाव आज निर्विरोध हुआ कि जो हमारे प्रस्तावक था उसको नहीं आने दिया, ये प्रशासन की वजह से हुआ, गुंडागर्दी की वजह से हुआ है और इन्होंने जो दबाव बनाया उसकी वजह से हुआ है। इससे जनता तो मुंह तोड़ जवाब देगी। 2022 का चुनाव जो होगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के चेहरे पर होगा और जनता उतारू है जिस दिन भी चुनाव डिक्लेयर होगा, समाजवादी पार्टी मुरादाबाद जनपद में 6 की 6 सीटें जीतेगी। एक शहर का शेर है, न खुदा ही मिला न विशाल सनम, न इधर के रहे न उधर के। बीजेपी आज नामांकन करा गई, समाजवादी का रह गया। इल्जाम सिर्फ और सिर्फ प्रशासन पे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जिला अध्यक्ष ने ये इल्जाम लगाया है कि उनके कार्यकर्ताओं को, उनके सदस्यों को बीजेपी ने खरीदा है। इसी के चलते समाजवादी पार्टी के कार्यालय में यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ करता था जो बागी नेताओं को बताया जाता है और अब वो बोर्ड उखाड़ करके यहाँ फेंक दिया गया है। तो क्या कहा जाए, कैसे जीता जाएगा 2022 का चुनाव, ये देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी शारिक अंसारी और मोहम्मद गुलजैर के साथ मैं शारिक खान, INN News मुरादाबाद।